हेलो फ्रेंड्स, मेरे ग्रीन लाइवे चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज मौसम ख़राब है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं तो। आपको पता है जैसा कि मैं जब भी कोई भी वीडियो दिखाती हूँ उसमें नए फ्लोवर ज़रूर होते हैं, वो भी सब दिखाने वाली हूँ। और इस समय दो दिन हो गया है, बरसात भी हो रही है, और देखो मेरे फूल की क्या कंडीशन है, ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और सबसे पहले जो मैंने ये ख़रीदा था अजेलिया का, मेरे पास तीन थे पहले से। और देखो इसका एक म्यूजिक दिखाती हूँ। और हमने तो ज़्यादातर देखो एक कली में दो ही फूल देखे हैं, जैसे वाइट में ये पुराना वाला है मेरा, तो मैंने तो इसमें दो ही देखे। आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरे इस फूल में जो मैंने नया लिया है, मैंने कल ही देखा है इसको, इसमें एक बड में एक कली में तीन फूल खिले हैं। ये देखो मैं दिखाती हूँ पास से, एक ये है और एक ये है, ये देखो ये है और एक ये है, तीन खिले हुए इसमें। तो ये मैंने पहली बार ही देखा है। तो ये एक म्यूजिक लगा मुझे, देखो मैं जैसे ही सुबह आई तो मैंने सबसे पहले मुझे निगाह पड़ी, मैंने सोचा पहले ये हो सकता है ये मुझे धोखा लग रहा हो, लेकिन मैंने ध्यान से देखा एक ही बट में ये तीन फूल आए हुए हैं, हालांकि सब में दो ही आते हैं। तो और ये देखो एक ये है मेरा पिंक वाला, ये देखो। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ थोड़े बहुत केयर टिप्स भी दूंगी जो परमानेंट है, जो आपको कम टाइम वाले जिनके पास कम समय होता है वो भी खरीद सकते हैं। तो ये देखो ये भी अजेलिया का बहुत सुंदर प्लांट है, इस पर पूरे विंटर हमें ये फूल देता है। अगर विंटर में हम शुरू में ही खरीद लेते हैं तो ये पूरे साल हमारे बना रहता है। और इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखना अगर आपके पास है तो। और ये देखो काफ़ी ब्लूमिंग कितनी खूबसूरत है, वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। और इस पर भी मैंने एक वीडियो दी थी तो केयर टिप्स के साथ, तो अगर आपके पास है तो ज़रूर देखें। और देखो ये हल्की धूप अभी थोड़ा सा ही हुई है और कितना अच्छे ब्लूम कर रहे हैं ये, वैसे ये धूप में ही खिलते हैं। देखो इस पे तो ब्लूमिंग कम है, मतलब ये पूरा नहीं खिल पाए, लेकिन हो सकता थोड़ी बहुत धूप आएगी अभी तो खिल जाएंगे ये। ये 12 बजे के बाद ही खिलते हैं, 12 बजे तक खिल जाते हैं ये, तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। और एक ये मैंने न्यू लिया है, ये देखो ये डहेलिया का, तो ये मेरे पास डहेलिया के वैसे बहुत सारे हैं लेकिन अभी किसी पे फूल नहीं है, इस समय बड्स बन रही है। और जो पहले फ्लोवर आ चुके थे वो स्पेंड हो गए, वो मैंने सब निकाल दिए। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है, तो ये मैंने हालांकि कल ही लिया, कल भी मैंने कई सारे प्लांट लिए हैं, ये उसी में से एक है। और ये देखो एक ये ल्यूपिन है, कितना प्यारा है, इस पर ऐसे बंच की तरह ऊपर को बहुत ही सुंदर आता है खूबसूरत से, और इस पर कई सारी छोटी छोटी बंच है, और इन पे सभी पे जब फूल आएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये देखिए आगे ये निमेसिया है, निमेसिया प्लांट फ्लोवर, ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये देखो इस पे ना कितने सारे फ्लोवर आते हैं, और अभी तो ये पूरा जब भर के आएगा ना काफ़ी पूरा गमला जो है पूरा ढक जाएगा, और सारे फ्लोवर ही नज़र आते हैं इसमें। एक ये है पिंक कलर और एक ये वाइट कलर, ये भी देखो कितने सारे फूल हैं इसमें। और एक ये मैंने ये लिया था, तो इस पर पहले जब मैंने दिखाया था इस पर फूल नहीं था, ये देखिए जेरेनियम, तो ये रेड कलर का ऑरेंज कलर का है, तो इस पर इसमें फूल आ चुका है। देखो कितना सुंदर फूल आया, बहुत ही प्यारा है। और इधर हमारा ये कलेंचो रखा है, और इधर हमारा ये रेनकुलस है, अभी ये फूल जो है बनके तो आ गया, इसमें बीच में रेड दिखाई दे रहा मगर अभी पूरा नहीं खिला। और ये आगे हमारा ये इम्पेशेंस है, ये रेड कलर का, इस पर भी देखो अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। और ये आगे पिटोनिया के है, ये देखो येलो है, ये वाइट और पर्पल है, ये मैरूम है, ये भी मेरे पास 3-4 है, इस पर भी बराबर फूल खिलते रहते हैं। और इधर देखिए ये वाला, ये प्राइमुला होता है जिससे हम प्राइम रोज कहते हैं, इस पर भी जब से ये आए हैं, और ये देखो कितने सुंदर फूल इस पर ऐसे ही जो है बंच की तरह ही रखे रहते हैं, देखो कितना सुंदर लगे रहते हैं, कितने प्यारे हैं, कलर भी बहुत प्यारा लगता है। और एक ये है और एक ये है, एक ये कलर है और एक ये कलर है, सभी पे बराबर इस पर फूल आ रहे हैं, और एक ये कलर है, ये मेरे पास 4-5 हैं, सभी पे फूल बने हुए हैं इन पे। और ये तो सबसे अच्छा लगा मुझे, और ये भी अच्छे हैं, ये भी इस पर भी देखो कितने प्यारे प्यारे फूल बने हुए हैं अभी भी। और ये देखो ये डायंथस भी खिला हुआ है रेड कलर का, और ये आगे ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये भी देखो ये प्लांट भी कारनेशन,
इस पर कितना सुंदर फूल आ रहा है, और ये कई इसमें बर्ड्स भी बहुत सारे बने, अच्छी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, और ये गर्मी बरसात से बचा लो तो ये पूरे साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं अगले साल के लिए भी। और ये देखो ये पिटोनिया के, ये भी कई सारे कलर हैं मेरे पास। ये देखो एक ये है, एक ये है, और एक ये पर्पल कलर है, ये देखो कितना प्यारा है, और एक ये है, ये रेड कलर है, ये रेड कलर भी खूबसूरत है। और मेरे पास कम से कम 10-15 है, और सबके कलर अलग अलग हैं, कोई डार्क है कोई लाइट है। ये देखो इस पर भी कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, हालांकि यहाँ मैंने कम ही रखे हैं और काफ़ी सारे हैं। और ये देखो ये कलेंचो है, ये भी बहुत खूबसूरत है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप पूरे विंटर में फ्लावर देखना चाहते तो इसे ज़रूर लगाएं, इस पर पूरे साल जो है पूरे विंटर फ्लावरिंग पे रहता है और परमानेंट प्लांट है, और कभी कभी इसमें गर्मियों में भी आ जाता है बरसात में, और इनको बस पानी से बचाना पड़ता है, इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होती, तो इसका ध्यान रखना हमें। जब इसकी सोयल ऊपर वाली सूख जाए तभी इसको पानी लगता है, और ये अभी तो हम विंटर में थोड़ा धूप दे सकते हैं 1-2 घंटे, लेकिन उसके बाद जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी उसके बाद हम इसको शेडी एरिया में रखेंगे। और ये देखो ये डेजी का, ये भी बहुत खूबसूरत है। पिछले साल मैंने वाइट लिया था तो अब की बार भी 3 लिए हैं मैंने इसके। ये देखो ये पिंक कलर है, लाइट पिंक, और एक कलर ये है, ये डार्क पिंक है, मजेंटा कलर कुछ टाइप से, ये भी बहुत खूबसूरत है। और ये देखो ये लाइट है, ये पफ डेजी है, बहुत ही प्यारा है। मेरे पास 2 हैं डेजी में, कई सारी वैरायटी आती हैं इसमें, वो भी मैं दिखाऊंगी दूसरा वाला भी। और ये कैलेंडुला है, ये देखो कैलेंडुला, एक ये है, कैलेंडुला के भी अच्छे लगते हैं, मगर इसमें क्या होता है अगर हम इस पर जैसे एक वाइट वाइट जो है इस पर पत्तियों में लग जाता है तो वो बैक्टीरिया टाइप का होता है। अगर हम स्प्रे करते रहें नीम ऑयल का सप्ते में 1 बार या 2 बार तो तब तो नहीं होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो इसको बहुत जल्दी पकड़ता है। इस पर देखो इस पर नहीं है, और इस पर भी आ चुका था थोड़ा, तो मैंने इस पर स्प्रे कर दिया है। ये देखो एक ये है, कितना खूबसूरत है, और एक ये है, और एक ये है, ये भी मेरे पास 4 है, चारों अलग अलग कलर के हैं, एक दूसरी जगह रखा है। और ये देखिए ये मेरे, ये देखो ये कितने सुंदर खिल रहे हैं, देखिए वाइट कलर का है, और ये थोड़ा सा मजेंटा कलर है, इसमें कम दिख रहा है ये, और ये थोड़ा सा पिंक कलर है, ये भी देखो कितना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है तीनों। ये एलाइसम प्लांट है ये मेरे तीनों, बहुत ही सुंदर है। ये गमला भर जाता है जब इस पर ब्लूमिंग होती है फ्लावर की, और जैसी ये पुरानी हो जाएगी तो हम इसको पूरी को सभी को निकाल देंगे फूलों को, इनको जब पुराने हो जाएंगे तो ये नए फिर दोबारा से आ जाते हैं। मेरे इस पर दोबारा ब्लूम कर चुका है एक बार पहले, अब दोबारा भी कर रहा है। ये देखो ये भी, और ये भी, ये भी बहुत सुंदर होता है स्ट्रोक प्लांट। और ये देखो इस पर भी ऐसी होता है, पुराने अगर बंच वो जो है एक्सपेंड हो जाते हैं फ्लावर, उनको निकाल दें तो ये नई नई आ जाती है। ये देखो सब नई है, मैंने पुरानी निकाल दी तो नई, कितना सुंदर ब्लूम पे है ये सारे। ये देखो कितना प्यारा लगता है, ये वाइट कलर का तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये देखो, और ये 24 घंटे खिले रहते हैं, ये भी अगर आप 24 घंटे वाला फ्लावर चाहते हो तो ये भी जो है शुरू उसमें विंटर में लो और ये लास्ट तक चलते रहते हैं। ये देखो अच्छी ब्लूमिंग पे है, ये भी देखो, ये इधर से दिखाती हूँ, ये देखो कितना खूबसूरत प्लांट है ये भी। और एक ये वेगोनिया के, ये वेगोनिया का देखो मैं दिखाती हूँ अभी, एक ये है, ये भी मेरे पास कई सारे कलर हैं। मैं थोड़ा छोटा करती हूँ क्योंकि जूम पे कर रखा है, दूर से दिखाना था ना इसलिए। तो एक ये है मेरे पास, ये पिंक कलर का, पिंक और वाइट डबल शेड है। और एक ये है मेरे पास रेड कलर का, ये भी खूबसूरत कलर है, ये देखो पास से दिखाती हूँ। इसकी अच्छी लीफ भी बहुत अच्छी लगती है और इसके फ्लावर भी बने रहता है। ये भी ऐसा ही प्लांट है कि हम विंटर से शुरू में ले लें तो ये पूरे ही विंटर हमारा फूल देता रहेगा। ये भी मैंने पहले ही स्टार्टिंग में, विंटर के स्टार्टिंग में ख़रीदा था, और आज भी देखो इस पर फूल, कभी भी ऐसा नहीं होता जो इस पर फूल ना रहे। बस इसके जो पुराने होते हैं वो स्पेंड हो जाते हैं, उनको निकाल दें और नए नए जो है बर्ड्स बन के फ्लावर आपको देते रहेंगे। ये भी देखो कितनी लीव्स भी कितनी सुंदर है, ये वाइट है, और मेरे पास ये 4 हैं, ये भी 4 है कि 5 है, एक ये बिल्कुल पिंक है, ये देखो
इसकी लिप्स भी कितनी प्यारी है, खूबसूरत सी, और देखो ऊपर से नीचे तक लिप्स भी, और ऊपर फ्लोवर टॉप में फ्लोवर आते हैं और नीचे इनकी लिप्स होती है सुंदर सी। ये देखो एक ये है पिंक और रेड और वाइट और ये पिंक। और अब मैं आपको अपने जो एक ये नेस्टेटियम दिखाती हूँ। देखो ये कितना खूबसूरत फूल दे रहा है, इस समय पूरा ऑरेंज कलर का है ये। देखो मैं दिखाती हूँ, पास से दिखाती हूँ। ये देखो कितने सारे फूल थे इसमें, मेरे जो स्पेंड हो गए थे वो सारे निकाल दिए। एक ये है और एक ये है, ये देखो ये मैरून कलर का रेड कलर का है, ये भी बहुत सुंदर है। इस पर भी कई सारे बने हुए थे वो मैंने इसके निकाल दिए। और एक पिटानिया का देखो, ये तो हाँ दिखा चुकी हूँ। और ये मैंने एक कल ही ये रबड़ प्लांट खरीदा है, ये मेरे पास नहीं था। एक ये मेरा ये डेजी प्लांट, एक ये वाला है। ये भी क्या होता है, ये धूप में तो पूरा खिलता है। और ये देखो अंदर से ब्लू है, ये अफ्रीकन डेजी प्लांट है, अफ्रीकन ब्लू डेजी प्लांट है। तो ये अंदर से ब्लू ऊपर से येलो कलर का, इसमें डॉट डॉट से, ये बहुत ही प्यारा होता है। अगर ये पूरा खिला हुआ होता है तो बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो ये भी पूरी धूप कर इन्हें मिलती है, तो ये भी धूप में ही पूरे खिलते हैं। तो और अब मैं आपको जो मैंने गुलाब की शॉपिंग की है तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखो एक गुलाब मैंने जो ख़रीदा था पहले, तो इसमें पहले तो जब मैंने दिखाया तो बड थी खाली, और ये कुछ इसमें तो रेड और महरूम दिख रहा है, ये डार्क एकदम ब्लैक महरूम है। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर हैं और अच्छे खूबसूरत से आए हैं। देखो पत्तियाँ भी इसमें कितनी ग्रीन है, ये देखो कितना सुंदर फ्लावर आया। और एक मैंने ये ख़रीदा है, देखो ये वाला है मेरा गुलाब का, ये कुछ पर्पल में था, ये लाइट पर्पल बैंगनी कलर। तो इसकी बड भी अभी पूरी ये खिल नहीं पाई, तो जब पूरा खिलेगा फिर इसकी जो है फिर शेयर करूँगी आपको। और एक ये है मेरा, ये डार्क पिंक है इसमें मजेंटा कलर। और एक मेरा ये है, ये देखो ये डबल सेट का है, ये पिंक कुछ वाइट रेड इस तरह से है, अभी पूरा नहीं खिल पाया। तो एक मैंने ये ख़रीदा है, और एक मैंने इस समय ये ख़रीदा है, और एक मैंने ये ख़रीदा है, और एक ये ख़रीदा है। तो ये अभी ये नर्सरी में आ रहे हैं, अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं।